आप देख रहे हैं एवीपी इंडिया न्यूज, हर खबर सच के साथ। मुरादाबाद की लाइन पार इसे सब्जी मंडी को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है, क्योंकि मंडी आने जाने वाले सभी व्यापारियों के सैंपल लिए गए हैं और सैंपल कोरोना की जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। बताया जाता है कि एक सब्जी विक्रेता कोरोना पॉजिटिव होने के कारण स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। क्या नाम है भाई आपका? नासिर। ये क्या हो रहा है आज? चेकिंग हो रहा है। किस चीज का? आप लोग कौन हो? मैं सब्जी लेने आए हैं। सब्जी लेना है। क्या नाम है सर आपका? कुलवंती। सर आज क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे आज सैंपलिंग टेस्ट हो रही है कोविड-19 की। और लगभग 30-35 सैंपल हो चुके हैं। अच्छा, कितने बजे से चल रहा है ये? 7 बजे से चल रहा है, सुबह 7 बजे से। कितने बजे तक चलेगा ये? जब तक समाप्त नहीं हो जाएंगे, सभी सैंपलिंग नहीं हो जाएंगे तब तक ये चलेगा। क्या नाम है आपका? संजीव। संजीव, ये बताइएगा सर, ये जो प्रशिक्षण चल रहा है किन लोगों का चल रहा है और कौन लोग हैं जो इनकी जांच की जा रही है? ये जो डोर टू डोर सब्जी की जो व्यवस्था गवर्नमेंट ने की है, प्रशासन के द्वारा करी गई है, और वो जो लोग विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ जाके सब्जी की सप्लाई करते हैं, ये उन लोगों की हम सैंपलिंग करवा रहे हैं। उनके ड्राइवर की और जो दो लोग उनके साथ में होते हैं उन लोगों की सबकी सैंपलिंग करवाई जा रही है, जिससे कि कोई भी दूसरा आदमी इनसे इन्फेक्टेड ना हो और इनकी भी जांच हो जाए कि पता चल जाए कि हमारे जो एरिया से जो लोग जा रहे हैं, मंडी से जा रहे हैं, वो इन्फेक्टेड नहीं है और ये क्या है दूसरों को ना फैलाएं, अगर हो तो किसी पता चल जाए हम लोगों को इसके बारे में। सर, कितने लोगों की आज जांच हुई है इसमें? अभी तक 40 से ज़्यादा लोगों की हो चुकी है और निरंतर कार्य जारी है। किन लोगों की जा रही है, जो हॉट स्पॉट एरिए के हैं या अदर लोगों की? सभी लोग जहाँ भी हम लोग गवर्नमेंट द्वारा सप्लाई करवा रहे हैं, जिन क्षेत्रों में सब्जी वाले विक्रेता जा रहे हैं उन सभी की करवा रहे हैं। डोर टू डोर वालों? डोर टू डोर वालों। थैंक यू।